काफी ज्यादा इंफीरियरिटी लगती है। तब आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। तो गाइस, तो अभी है इवनिंग का टाइम और आज बहुत दिनों बाद श्रिया घर से बाहर गई है। थोड़ा सा उसको घूमने की इच्छा हो रही थी क्योंकि रोज है ना इस टाइम पर वो ट्यूशन जाती है, तो बस आज वो गई है और उतनी देर में मैंने छोटे छोटे अपने सारे काम निपटा लिए और अभी बज रहा है घड़ी में 6, तो बस चाय वगैरह पीते हैं। लेकिन हाँ, मैं चाय के से ध्यान आया कि अभी ना केदार कचौड़ी वगैरह लेके आए क्योंकि आज है संडे, तो हम लोग है ना वैसे तो चाय पीते हैं इस टाइम पर। ये देखिए कितना सारा सामान रखा है और चाय का मैंने जो है दूध वूध सब चढ़ा दिया था। भूल गई थी मैं कि ये नारियल पानी रखा हुआ है घर में, तो बस अभी नारियल पानी पीने आएंगे। तीन तीन लेकर आए हैं ये, ठीक है, तो बस अभी नारियल पानी पियेंगे और बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनका शोर आ रहा है। और हाँ, मैंने घी बनाने के लिए भी रखा हुआ है तो घी बन रहा है उसमें। ऐसे करके ना मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है ताकि सारी चीज़ें हो जाएं। आप लोग भी ऐसे ही करते होगे ना, ये चीज़ कर ली, साथ साथ में ये भी कर लिया, कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए और बहुत सारे काम। हम लेडीज़ लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। तो बस ये सारे काम निपटाने के बाद मैं जाऊंगी सीधे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के साथ कुछ बातें मुझे शेयर करनी है, वो है एक्ने से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बताऊं कि श्रिया के एक्ने कैसे ठीक हुए हैं। बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ और कैसे उसने ठीक किए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं, नारियल पानी वगैरह पी लेते हैं और फिर स्ट्रेट मैं आप सभी से मिलूंगी। हाँ, तब तक शायद श्रिया भी आ जाए तो वो भी सामने रहेगी तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए कुछ खा लेते हैं, आप लोग भी कुछ खा लीजिए, चाय वाय पी लीजिए अगर आपका भी इवनिंग का टाइम है। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, मुझको माइक्रोवेव को भी क्लीन करना है। देखिए काफ़ी गंदा हो गया अंदर से, बस ये जो एक पैच बना हुआ है इसको मैं करूँगी। सो के उठा हुआ एक भूत। आज अपन बहुत दिनों बाद कचौड़ी खाएंगे ना, काफी टाइम बाद। और डेडली कॉम्बिनेशन है नारियल पानी और कचौड़ी, कहीं से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो ये हो गई अच्छी खासी गरम, इसमें डाली जाएगी चटनी रेड वाली, उसने आई थिंक ग्रीन वाली भी दी है। यस दी है, तो ये भी डाली जाएगी और कैलोरीज बढ़ाई जाएगी इसको खाकर। संडे यानी कि फंडे, और संडे को सबसे ज्यादा एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। मैं भी बोलती तो हूँ पर करती बहुत सारे काम हूँ संडे को, और संडे इतनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मतलब फुर्र हो जाता है बहुत जल्दी से। यही है कहानी सबकी संडे की। बस? मुझे रेड वाली ज्यादा पसंद आती है, मैं अपने में रेड वाली ज्यादा डालूंगी। मीठी रहती है ना, तुम चींटी हो। चींटी को मीठी पसंद आता है। ये देखो रेड वाली गई इसमें और ये गई ग्रीन वाली, और सबको लालच दे रही हूँ मैं भयंकर वाला। आज सब लोग अपने अपने हस्बैंड से कचौड़ी बुलवाएंगे। टीवी देखते देखते मजे लेंगे।
बीटिंग रिट्रीट का चल रहा है फंक्शन। चलो खाएं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ श्रिया के रूम में और श्रिया भी आ गई है अपने घूम फिर के मटर गस्ती करके। तो थोड़ी बहुत मटर गस्ती भी जरूरी होती है ना। तो बस अब मैं आप सभी से बताती हूँ कि श्रिया के पिंपल्स कैसे ठीक हुए। आप लोगों ने वो टाइम भी देखा है जब श्रिया के पिंपल्स थे, बहुत ज्यादा हो गए थे। और जो चीज नहीं देखी वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो हम ये सारी बातें जो करेंगे ना वो तीन सेगमेंट्स में करेंगे, ठीक है। तीन सेगमेंट्स में ऐसे कि श्रिया को पिंपल्स क्यों हुए पहली बात तो, या फिर किसी को भी पिंपल्स क्यों होते हैं, फिर वो जितने भी कारण है ना जिन वजह से पिंपल्स होते हैं या एक्ने होते हैं उनमें से हमारा कारण क्या था, ये हमारा सेकेंड सेगमेंट होगा। अपना कारण हमने जो ढूंढा, और थर्ड सेगमेंट में कि हमने फिर क्या क्या चीजें की और उनका फिर क्या रिजल्ट निकला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि पिंपल्स क्यों होते हैं। देखिए बहुत सारे कारण है। हेरिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कोई कोई लोग कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करने लगते हैं जैसे ही वो टीनेजर्स वाले ग्रुप में आते हैं, और कुछ जैसे मैंने बोला हेरिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और इन सब के बारे में मैंने इतना ज्यादा स्टडी किया ना, क्यों, क्योंकि मैं श्रिया के लिए इस बात पर बहुत कंसर्न हो गई थी। सिर्फ फेस पर एक्ने नहीं हुए उसको, फेस पर पिंपल्स नहीं हुए, ये बहुत बड़ा एक रूप ले लिया था, उसको पीठ में भी हो गए थे। एंड वो तो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया नहीं था वो साइड, क्यों, क्योंकि वो क्या दिखाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि पहले अपने आप से बैठकर इधर उधर से स्टडी किया, बुक्स पढ़ी, और उसमें पता चला कि क्या क्या कारण होते हैं पिंपल्स होने के। और वो सारे कारण आप में से किसी को भी होंगे जिन कारण की वजह से आपको भी पिंपल्स हो रहे होंगे, या फिर या कह लो कि अगर आप अभी टीनेजर वाले ग्रुप में नहीं आए हो, मतलब 13 से आप 19 तक की एज में नहीं हो, तो हो सकता है आगे आपको हो, तो आप पहले ही सतर्क हो जाओ, ठीक है। सो देखिए मैं वन बाय वन आपको सारी बातें बताती हूँ। खाने के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है, आप क्या खा रहे हो, आप कब सो रहे हो, कितनी नींद ले रहे हो, कितना शेड्यूल, यस, आपका जो शेड्यूल है वो कैसा है, फिर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप कितना पानी पी रहे हो, फिर बहुत सारी बातें हैं यार, मतलब आपका पेट साफ है कि नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता, आप किसी चीज की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि कई बार कोई कोई चीजों की मेडिसिन लेने की वजह से भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, यस। कॉस्मेटिक्स का यूज करना शुरू कर देते हैं अक्सर इस एज में आने के बाद बच्चे, लड़कियां स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम, होता है यार, मतलब 13-14 के बाद उनको लगता है हम अच्छे से तैयार हों, उसके पहले तो वो बच्चे ही रहते हैं, तो एकदम से वो वाली सारी चीजें यूज करने लगते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे ये लेना है वो लेना है, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाके बहुत सारे केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज करने लगते हैं, तो उनकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। हाँ, अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि इस एज में आते आते बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हमें कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है। डेफिशिएंसी इन द सेंस कि सबसे बड़ी डेफिशिएंसी मैंने अभी देखने में जो आ रही है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी स्किन सबसे पहले खराब होगी, बाल खराब होंगे, झड़ना चालू हो जाएंगे, आपकी स्किन खराब होना चालू जाएगी, आपकी बोन्स पर असर आएगा। तो आपको एक ध्यान उस पर देना है, एक चेकअप करवाना है, ये बहुत जरूरी है। विटामिन डी कम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन भी है, मतलब हाँ, कई लोगों को मतलब विटामिन डी की कमी होती ही है। फिर उसके बाद बात आती है कि स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा पढ़ना है, थोड़ा चिड़चिड़ा मन भी होता है, पानी कम पीने में आता है, जंक फूड ज्यादा खाने में आता है, और नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, अच्छे से सो नहीं रहे हैं। तो ये सारे कारण मैंने पढ़े और बहुत स्टडी करी इसके बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़ी, और उनमें से फिर हमने अपना कारण ढूंढा। तो अब आते हैं सेकंड सेगमेंट पर, जिसमें हमने हमारा कारण ढूंढा और हमें पता चला, मतलब कि श्रिया के बारे में मैंने देखा, तो उसमें मुझे पता चला कि श्रिया थोड़ा बिस्किट्स ज्यादा खाती है, उसको बिस्किट्स खाना पसंद है, जंक फूड में वो ऐसे मैगी नूडल्स ये सारी चीजें कभी कभी खाती है, मतलब इतना ज्यादा नहीं खाती कि उसकी वजह से उसको इतना ज्यादा हैवीली ये सारी चीजें हो जाए। फिर मैंने श्रिया से पूछा कि श्रिया तुम ये बताओ कि तुम पानी कितना पीती हो, क्योंकि पानी अगर कम पिएगी
होगी तो बहुत सारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। पानी सुबह उठ के सबसे पहले कुनकुना पानी पीना जरूरी रहता है, एक जैसे कहते हैं टॉक्सिन्स हमारे चले जाते हैं। फिर दिन भर में वो कितना पानी पीती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बॉटल भर भर के पानी पियो, एक्सेसिव पानी पीने की बात नहीं कर रही हूँ, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी तो पीना चाहिए, बट वो कम पानी पीती आई है। तो इन सारे कारणों में से हमने अपना कारण ढूंढा और उसके बाद हमने वर्क करना उस पर चालू कर दिया। लेकिन मैंने एट द सेम टाइम थोड़ी समझदारी का काम ये किया कि मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं अपना तो कर रही हूँ, सही कर रही हूँ ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि जब हम ज्यादा अच्छे की तरफ जाते हैं ना, जैसे हम अच्छा फूड इनटेक ले रहे हैं और थोड़ी सी हाइजीनिक वे में ज्यादा चल रहे हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस तो यार देखो बोलने से तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो की कि स्ट्रेस ना हो। जब डॉक्टर को दिखाया ना तो उसके पहले ही केदार ने बोला कि श्रिया के अपन टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपना रेगुलर चेकअप करवाते थे। तो हम लोगों ने इसका विटामिन डी का टेस्ट करवाया, जिसमें इसका विटामिन डी आई थिंक कितना था, 7 था, 9 था, और होना चाहिए कितना होना चाहिए केदार? अबव 30 होना चाहिए, लेकिन उसका 9 निकला। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको विटामिन डी लेके दिया, फिर डॉक्टर को भी बताई ये बात। तो इसका जो मेन कारण था जिसकी वजह से इसको ये सब चीजें हो रही थी वो था विटामिन डी की कमी। आप इस बात को ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस छोटी सी चीज की वजह से आपको भी एक्ने हो रहे हो, इस छोटी सी डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया तो उनने बताया कि इसको, इसकी पीठ वगैरह सब उन्होंने देखी, चेक करी, उस पे इसको एक्ने थे, चेहरे पे थे। तो उन्होंने बताया कि इसके जो कारण है वो ये है कि इसको वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो सीरम जैसा जो भी होता है, वो उनकी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं मालूम। सो उन्होंने बताया और उन्होंने इसको एक ट्यूब दिया चेहरे पे लगाने के लिए, प्लस इसको कुछ मेडिसिंस दी जिसकी वजह से उसको फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ मिले और वो क्योर हो, ठीक है। तो वो विटामिन डी के जो जो कैप्सूल आते हैं वो लेना शुरू किया। पहले शुरुआत में डॉक्टर ने बोला 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, ऐसे करके उन्होंने पूरा हमको बना के दिया और फिर वो उसने लेना शुरू किया। वो जो ट्यूब था वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर पूछोगे मुझे पता है, बट मैं इसलिए नहीं बता सकती कि जब तक आपको डॉक्टर नहीं बताया, आप सबकी स्किन के मतलब हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग मेडिकेशन होता है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाओ और आपके डॉक्टर जो आपको बताएंगे वो आप यूज करो, मेरे बोलने पर यूज बिल्कुल मत करो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ओके। सो ट्यूब तो देखिए फॉर द टाइम बीइंग था, एक महीने लगाना था, एक महीने में थोड़ा सा क्योर होगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपको इस पर पूरे साल वर्क करना है तब जाके ये ठीक होगा। पूरे साल क्या मतलब, जब तक लाइफ है तब तक आपको ये सारी चीजें करनी है, तब आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। तो वो सारी चीजें क्या थी वो मैं आपको थर्ड सेगमेंट में बताने वाली हूँ। तो थर्ड सेगमेंट पे जैसे ही आते हैं तो सबसे पहली चीज, इसने पानी पीने पे ध्यान दिया, अपने बॉटल बगल में रख के सोने लगी और पढ़ाई के बीच बीच में उठ उठ के पानी पीना। फिर इसने अपना फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दिया, क्यों? फ्रूट्स जो चीजें होती हैं ये होता है कि हमें हाइड्रेट भी रखता है, प्लस हमारे जो डेफिशिएंसी होती है ना विटामिन डी और भी ए बी सी जितने भी होते हैं विटामिन्स, उसकी हमें डेफिशिएंसी नहीं होती अगर हम अच्छे से फ्रूट्स खाते रहते हैं। एग्स वगैरह खाए, पनीर हुआ, और नॉनवेज, जैसे हम नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ वो भी, उसका भी हमने इंटेक किया, मतलब एक ठीक है, हर चीज की जरूरत होती है बॉडी में। तो प्रोटीन भी लिया शरीर में और वॉच किया कि हम कितना खा रहे हैं, ठीक है। फिर बिस्किट्स और इनको बिल्कुल कट ऑफ किया, मैंने लाना बंद कर दिए। पहले इसलिए लाती थी कि मैं इसलिए लाती थी कि यार चलो थोड़ा बीच बीच में खा लेगी, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं होता था, वो पूरा पैकेट खाने के बारे में सोचती थी। तो उसको भी हम लोगों ने कम किया और उसको भी समझ में आया कि नहीं यार मुझे इतना ज्यादा नहीं खाना। मम्मी ने भी बचपन में काम बहुत किया है और नानी ने मुझे सब बताया है। हाँ हाँ। फिर एक चीज की कि रात में कुछ भी हो केयर करके सोना है, स्किन की केयर करके सोना है, ये हम लोगों ने बिल्कुल अपना लिया। जैसे मैं तो करती थी, बट मैंने श्रिया को बोला कि तुम्हें करना है, रात में तुम कितनी भी थकी हो अपना फेस धो, क्योंकि ब्रश तो करना ही पड़ता है ब्रेसेस के कारण,
तो ब्रश भी करो, फेस को अच्छे से वॉश करो, मॉइस्चराइज करो, नाइट क्रीम जो भी है वो लगाओ और अच्छे से सो जाओ, ठीक है। अभी तो उतना जल्दी नहीं सो पाती, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करती हूँ मैं कि ये 12 बजे तो सो ही जाए एटलीस्ट। वैसे इसको सो जाना चाहिए 10:30-11 बजे तक, बट अभी तो उसको देख के सोचने लगेगा कि क्या बोल रही है मम्मी। लेकिन हाँ, नींद लेना बहुत जरूरी है, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, उस पर हमने वर्क किया। नाउ मेडिसिन तो फिर 1 महीने बाद बंद हो गई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाया, नींद अच्छी ली, विटामिन डी का इसने प्रॉपर यूज करना शुरू किया, और डॉक्टर ने ये बोला कि आपको लाइफ भर धूप में जाना है। और धूप में जाने के साथ साथ, जैसे कई बार होता है ना कि हाँ हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी आप 15 दिन में या महीने में एक बार विटामिन डी का कैप्सूल लेना जरूरी है। उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाल सारे झड़ जाएंगे और स्किन सारी खराब हो जाएगी। तो इस पर उसने वर्क किया, खाने पे बहुत ध्यान दिया, कब क्या चीज खा रही है, अभी भी नारियल पानी ला के दिया। नहीं तो देखिए, हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते, आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, जो ये फास्ट फूड होता है वो ज्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं ये सोचती थी यार, हम लोग तो ये सब चीजें खाते ही नहीं है, इतना ध्यान रखते हैं खाने पीने का। हाँ बीच बीच में कभी कभी खाते हैं, लेकिन उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ज्यादा खाते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो क्या कारण है कि श्रिया को इतना हो रहा है, तो वो ये कारण था विटामिन डी वाला जो मैंने आप लोगों को बताया। तो बस इन सब चीजों पे हमने वर्क किया, जो मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई उन सब पे वर्क किया, अपना शेड्यूल सुधारा, और अब ये हो गया है कि इसके एक्ने ठीक हो गए हैं। तो ये चीजें इसको हमेशा करनी है, एज वेल एज आप लोगों को भी हमेशा करनी है, चाहे आप कोई भी एज में। कई बार आप देखो, मेरी एज के भी लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने अभी बोली, उन वजहों से उनको एक्ने होते हैं। अगर उन पर उनने वॉच करा तो उनको नहीं होंगे। तो बस इसी नोट पर आज का ये जो वीडियो है मैं एंड करती हूँ। हाँ, एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मैंने नहीं डिस्कस करी, जो अक्सर लोगों को होती है, तो उस पर भी आपको वर्क करना है, पानी अच्छा पीना है, हरी सब्जियों का ज्यादा यूज करना है, उसको कंज्यूम ज्यादा करें आप, सूप ज्यादा पिए आप, इस टाइप की चीजों पर थोड़ा ध्यान दे लो यार, बस और क्या करना है, फिर तो हमारी स्किन अच्छी होगी ही। तो बस हमने भी वही किया और इसकी स्किन बेटर हुई पहले से, और पीठ का जो वो था वो सब भी अब क्योर हुआ। तो वो जो टाइम था वो बड़ा वैसा था कि हाँ यार जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है ना श्रिया। और अगर जैसे चेहरा खराब रहता है या स्किन खराब रहती है, तो सब लोगों के आसपास काफी ज्यादा इंफीरियरिटी लगती है, लेकिन अगर चेहरा अच्छा रहता है तो फिर बहुत नॉर्मल लगता है, मतलब अच्छा ही लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, कॉन्फिडेंट रहता है हम। जैसे हम वेल ड्रेस्ड रहते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और एक लगता है कि हम भी अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लगते हैं अगर हम वेल ड्रेस्ड होते हैं तो। हाँ, तो वेल वही बात है कि अगर फेस भी अच्छा है, क्योंकि अंदर से अच्छे नहीं हो तो फिर ऊपर से हम कुछ भी लगा लें यार क्या होगा। तो बस कॉस्मेटिक्स का भी यूज ज्यादा मत करिए, कई इन्फ्लुएंसर्स बताते रहते हैं यूट्यूब पे कि आपको ऑर्गेनिक क्या यूज करना है, मैं भी बताती रहती हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग भी अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सबका फायदा हो और उन सबको फायदा पहुंचे, और साथ में ये चीज है कि वो उस चीज को समझें कि हम उनके फायदे के लिए ही भी बता रहे हैं। तो हम लोग पहले अपने ऊपर यूज करते हैं, हमें ठीक लगता है तो हम आपको बताते हैं, तो ऐसे ही रहता है ना। तो बस एंड करते हैं इस वीडियो को इसी बात पर, आप सभी से हम सब मिलेंगे, मैं श्रिया और केदार, अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। टेक केयर, अभी तक खत्म नहीं हुआ नहीं पीना तो धीरे धीरे, अभी कोल्ड ड्रिंक होगी तो पी लेगी क्या? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो उसको पसंद नहीं है, पसंद नहीं है बिल्कुल भी।